मोर हिट हिंदी मूवीज और उनके सीन सॉन्ग्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हिंदी मूवी प्लेक्स। सुनो, अगर इस सब्जेक्ट पे पिक्चर बनाते हो, आई कैन फिनांस। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड जॉब। बड़ी साईं, इस सब्जेक्ट में तो काफी दम है। आई विल फिनांस। थैंक यू सर। अब फाइनेंस का झंझट खत्म जी। तुम शूटिंग करो, लोकेशन देखो और एक्शन बोलो। ये फाइनेंस करेगा ना? ये तो मुझे किसी जोकर से कम नहीं लगता है। अरे तुमको ये सबसे क्या जी, तुम फिल्म बनाओ ना। अन्ना, कहानी हमारी नहीं है, हमें राइट्स लेना पड़ेगा। अयो जी, ये कहानी तुम्हारा नहीं जी, तो फिर किसका है जी? अन्ना, इस कहानी की लेखिका बिहार में रहती है। कल कोई बोलेगा क्या कि तुम इतना बड़का बड़का किताब लिखती हो? अच्छा, एंड यू नो अन्ना, इट्स अ ट्रू स्टोरी। मैंने जो ये प्रोमो बनाया है, ये इसकी नॉवेल को पढ़ के बनाया है। अन्ना, मुझे लगता है इसकी कहानी में और भी कुछ बातें हैं। अब बताओ, अब लग रही हूँ ना समझदार? हाँ, अब लग रही हूँ। हमें उससे मिलना पड़ेगा अन्ना, हमें बिहार जाना पड़ेगा। सर, मुझे वहाँ जाने से डर लगता है सर। कोई फायदा नहीं है वहाँ जाने से। वैसे है क्या बिहार में और क्या मिलेगा हमें वहाँ जाके? मिलेगा मोक्ष। यू नो गया, गया सिटी, वर्ल्ड में कहीं भी मरो, मुक्ति सिर्फ बिहार में ही। ओके, वेलकम टू बिहार स्टीवन। वेलकम वा, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल जी, वी आर प्राउड ऑफ आवर बिहार जी। वेलकम वा, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल जी, वी आर प्राउड ऑफ आवर बिहार जी। औरंगाबाद जिले का कभी बघेलचक गांव हुआ करता था, लेकिन विडंबना है कि आज ये जर्जर अवस्था में खड़ा हुआ है। बिहार सरकार के नक्शे में इस गांव का नाम क्यों नहीं है? सरकारी नक्शे पर इस गांव का नाम मिट चुका है, क्योंकि 27 दिसंबर 1987 के खूनी नरसंहार के बाद इस गांव में कोई नहीं बचा था सर। हाँ, मैंने भी इसे घोस्ट विलेज के नाम से पढ़ा है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने सर। अगल बगल वाले तो इसे भूतिया गाँव ही कहते हैं, और उनकी माने तो आज भी इस गाँव से सैकड़ों लोगों की आवाजें सुनाई देती है, जैसे मानो कि यहाँ फुटबॉल मैच हो रहा हो। वैसे जो घास का ग्राउंड देख रहे हैं ना आप, उस जमाने में फुटबॉल का ग्राउंड ही हुआ करता था। अरे
यार पिक्चर क्लियर नजर नहीं आ रहा है, कुछ करो। सर क्लियर पिक्चर के लिए कैमरे को खंडर गांव के अंदर ले जाना पड़ेगा। तो ले जाओ। इट्स इम्पॉसिबल सर, इस भुतिया खंडर के अंदर कौन जाएगा? क्यों, राम को भेज देते हैं, वो चला जाएगा। उसके अंदर जेबो मत कीजिएगा, अंदर में भूत है, दो चार नहीं 300-400 के जत्थे में भूत है, वही पटक के मुआ देगा। अंदर मैं जाऊंगी, आई कैन हैंडल द कैमरा, जर्नलिज्म में काफी काम किया है मैंने, अब तक मैंने भी सिर्फ कहानी सुनी और इसे लिखा, इस यथार्थ को अपनी आंखों से देखने का मौका मैं मिस नहीं कर सकती, कभी नहीं। कमाल, आज तक तुम उस खंडहर के अंदर नहीं गई, लेकिन तुमने नॉवेल लिख लिया, कुछ बात समझ में नहीं आई? This is not just a story for me, it's part of my life. ये मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं है स्टीवन, मेरी जिंदगी का हिस्सा है। लोग यहाँ की लड़ाई को जातिवाद से जोड़ चुके हैं, पर ये लड़ाई विचारों की थी और हमें इसे साबित करना है। खिलाड़ियों के गुरु और उनके ट्रेनर रामानंद जी का था। दहशत में थे और उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। तुम्हारा कैमरा ऑफ है। विभा, तुम मेरी आवाज सुन रही हो? विभा, मैं वो जगह देखना चाहता हूँ जहाँ पहली बार ये निर्णय लिया गया था कि बघेल चक गांव भी फुटबॉल मैच खेले, और शायद यही निर्णय इस गांव के खात्मे का कारण भी बना, जैसा कि तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है। खुशी और हंसी के कहकहों से माहौल गूंज रहा था। इस शादी में आसपास के गांव के बहुत सारे ठाकुर आए थे और खाने के पंक्ति में बैठकर अपनी झूठी आन बान और
और शान दिखाने के चक्कर में इस गांव के विनाश लीला का इतिहास रचा गया था और वजह थी उन गांव के बीच होने वाली फुटबॉल टूर्नामेंट। अरे सुनिए ना, अरे हमारी बात भी तो सुनिए। अरे आइए, इन्हें बैठिए। अरे आप लोगों के यहाँ बिजली का खंभा लगा हुआ है तो अपने आप को बहुत एडवांस समझने लगे। अरे खंभा लगने से क्या होता है, डिबरी और लांचन से छुटकारा मिल रहा है आप लोगों को। और बड़का साहब बनना है तो आ जाइए, मैच खेल लीजिए। और ये बड़ा गंगा टूर्नामेंट में जो जीतेगा ना वह कहेगा बड़का ठाकुर बुनिया, और जो हारेगा ना मुंह में चद्दर लपेट के सारा जवार में घूमेगा, मुंह नहीं दिखना चाहिए उसका। आइए बुनिया, एक जमाना था कि सौंसे जवार के बाबू लोग के मालिक हम ही हुआ करते थे। अरे तनी आप लोग के पास रुपया पैसा हो गया तो तन के खड़े हैं आप लोग हमनी के पास, और न तो और हित भी बन गए हैं और बाराती भी लेकर चल आए हैं हमनी के द्वारी पर। अरे 30-40 साल पहले आप लोग का कोनो औकात था महाराष्ट्र में? अरे छोड़िए ना पुरन का बात, टूर्नामेंट में आके फरिया लीजिए, देखते हैं केकर माई केकरा के तनादुर पी ले ले है। का बात करते हैं महाराष्ट्र में, जब बात औकाते की है तो जे मैच में हारेगा वो अपन औकात अपन भाड़ी में घुसा लेगा। अरे का बात करते हैं महाराज है? कैसे गांव समाज में क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, आपको कुछ मालूम ही नहीं है? अरे जब आपको मालूम है कि हमनी के गांव में कोनो फुटबॉल नहीं खेलता है तो किसी के छाती पर चढ़ के फुटबॉल खेलेगा? ठीक है तो हम लोग अपना टीम बनाएंगे, देख लेते हैं। हरिया लीजिए आप भी, देख लेते हैं कि आप लोग कितना आगे बढ़ गए हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, आलूदम भिजवाइए। अरे दो रे आलूदम दो उधर, और सुनिए एगो हरियर का मिर्चाइयो भिजवाइएगा तोड़ के पिछवाड़े में रगड़ने के लिए। तारा नाम ना खेलेंगे सोना ना खेले फुटबॉल ना जाएंगे ना खेलना है हमरा। जी कोई दौड़ने को तैयार नहीं है, तैयार नहीं है, देखते हैं इस सब नहीं खेलेगा। अरे घास सांप नियन कुंडली मार कर बैठा ला रहा साहब। सिपाही जी, जी मालिक, तनी इस सब को नहर देने दौड़ाइए तो। अभी दौड़ाते हैं मालिक। ए काका ये सब हमनी से ना होगा, क्रिकेट खेले कहिएगा तो खेल लेंगे, बाकी गेंदा कोनो खेल हुआ। चलो रे हमनी के गेंदा कोना खेल। अरे कुड़िया, अरे चुटका, अरे सुना है रे। अरे मुखिया जी, अरे जवान लड़का लोग ज्यादा मुंह ना लगे, कहीं उल्टा सुल्टा कुछ बोल दीजिए आप। अरे का बोल देगा, सोच रहा लेकिन सबके तो फुटबॉल गया ना। मुखिया जी वो जनानियों है ही यहाँ पर। छोड़ो ना, चलो इधर, दिन भर इस सब काजू किशमिश बादाम चबाते रहता, चार डग दौड़ने में इस सब का पथरी खराब होता है। अरे ऐसे नहीं तो छोटकन टोला के लेकिन सब है महाराष्ट्र ने, जो दिन भर चूहा बगुला खा के एहनी से मजबूत है। अब बाबू साहेब का लेका का घंटा भाई, चल छोटकन टोला से लेकन को पकड़ते चल। अरे मुखिया जी उन्हीं से हम लोग छुआ नहीं जाएंगे। अरे नहीं छुएंगे, चलो ना नहा धोवा के चलते हैं, नहीं होगा गंगा जल लेके चलेंगे। हाँ ठीक है कहते हैं, उन्हीं के जैसे कहेंगे वैसे बात मानेगा। नहीं मानेगा तो थूक गिरा के चटवाने में कितना देर लगता है। रामानंद बाबू को खबर भेजवा दो, कहे से कि फुटबॉल के ट्रेनिंग के लिए कोनो न कोनो ट्रेनर तो होना ना चाहिए जी। मारिए गोली रामानंद बाबू को। अरे वो जो है ना सो हर दिन जो है वो छोटका लोग के उत्थान शोषण के खिलाफ जो है भाषणबाजी करते रहते हैं, जहाँ तक कहते नहीं है घर में खाला भात नहीं लूटे कलकत्ता। नहीं हो ओकर बेटी के गौनो न हुआ अभी तक। सुनते हैं कि बारूदी सुरंग में नक्सल सब पूरा आर्मी बसे उड़ा दिया, दमादों के लाश न मिला हो अभी तक। मुखिया जी रामानंद सुरंग बंद कीजिए, चलिए वो छटकन टोला का जवन काबिल का लोग है वो 11 का नाम लिस्ट में लिखा गई। आप एगो काम करिए, आप गांव में खबर करवा दीजिए कि काल से कौनो उसको बनिहारी पर न बुलाए। ठीक है करते हैं। हे दशरथ प्रणाम। इस साला का क्या हुआ? अरे का कहे वो ललका साढ़ है ना कल फिर से पटक दिए। ये ललका साढ़वा बेर बेर आपको काहे पटका नहीं मारता? का जानी मुखिया जी वो हमरे पीछे काहे पड़ल है। ठीक है उसको हम खदड़वाने का उपाय कर रहे हैं जी। मैच शुरू होने वाला है मालूम है ना? जी तो दुगदुगी पिटवा दीजिए, जो जो आदमी को ट्रेनिंग देखना है वो सीधा फुटबॉल मैदान पर आ जाए,
ठीक है, कन्हाई आपको 11 प्लेयर का लिस्ट देगा, उसको भी बुलवा लीजिएगा, ठीक है जी। कन्हाई ज्यादा उस बेड़ी टेढ़ी पति आवे ना तो मार के थुथुर नियन थुथर मुंह का दो सबको, समझे ना। यो एगो गांव के नमूने है सर। अरे सुनो रे, आज सब बनिहार को गेंदा खेले के लेल चुनल जाएगा, मुखिया जी का आदेश है। जवन बनिहार का एक बार एंट्री हो गया ना, समझो उसको बड़का का तूतर धोवे से फुर्सत मिल गया। तुम लोग को फुटबॉल खेलना सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग से लेकर के फाइनल तक सबको मजूरी में रोज 3-3 किलो चावल दिया जाएगा, जिलेबी से हो लुटावल जाएगा। जहिया हमनी के टीम फाइनल जीत गई, साला भूती तो लौंडा नाच का धम गजर मचेगा, छूप के तारी चल है विनय बाबू। अरे सिलेक्शन का प्रक्रिया आरंभ कीजिए। मुखिया जी बताइए, रामानंद बाबू आए होते तो ये सब होता? अरे छोड़िए ना रामानंद बाबू को। अरे मोटरसाइकिल से खिंचाएगा, ऑटोमेटिक ट्रेंड हो जाएगा। अरे कार है चपंडुक साला, धान का बोझा लेके आरी पर दौड़ना है, यहाँ से कोई आगे नहीं आएगा, समझा? चल थूक साला, थूक के चाट साला, मारेंगे साले तने। चाट चाट साला चाट। ए मुखिया जी, अरे क्या कर रहे हैं आप? इतना इस सब को दौड़ा रहे हैं, ये सब दौड़िए नहीं रहा है, लंगड़ रहा है सब। मोटरसाइकिल से खिंचवाए तो भी इसके दिमाग पर जू नहीं रेंग रहा। फुटबॉल के मैदान में भी ठकुराई दिखाने लगे, खिलाड़ी का सिलेक्शन खिलाड़ी की तरह होना चाहिए ना। जाग गया ना आपके अंदर का भगवान। मैच के बाद धान तो यही लोग से ना कटवाना है महाराज ने। उठो शाबाश, उठो बेटा। अरे चपंडुक साला, करेगा ना टंकी? जब ऐसा टीम तैयार कीजिए कि मोहन बगान को फेल कर दे, नहीं तो जानते हैं वो सब हमनी के अपनी इच्छा है। मुखिया जी ए चलो रे। इसमें कोई शक की बात नहीं कि तुम लोग इस टोले का सबसे ज्यादा मेहनती और समझदार लोग हो। लिस्ट तैयार है, जिसका जिसका नाम लेंगे वो खड़ा होते जाना। सबसे पहले मोटका जी, गुरुजी। भरबितना जी, गुरुजी। दतुला जी, गुरुजी। लिट्टी राम जी, गुरुजी। चबुआ जी, गुरुजी। सुखाड़ी उपस्थित गुरुजी। भगवान दास जी, गुरुजी। लोरिक जी, गुरुजी। मदन मोहन जी, गुरुजी। भोरिक जी, गुरुजी। कैप्टन रहेगा चनेसरा। जी गुरुजी। चुना गया खिलाड़ी को आजे भर छूट है, कल से सब कुछ का त्याग। का मतलब? कल से कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, उपवास रहेंगे। अरे नारे, इसका मतलब हुआ कि कल से हम लोग चूहा और कौवा पका के नहीं खाना है, नहीं तो गुरुजी छुवाना जाएंगे। अरे भाई ऐसी बात नहीं है, कल से तुम लोग ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करोगे। ये सब काम तो पंडित जी का है ना गुरुजी, और धर्म कर्म का तो सारा नियम वे जानेंगे ना। हर तरीके, अरे पूजा उजा नहीं करना है, गुरुजी का कहने का मतलब यह हुआ ये जो गुरुजी का कहने का मतलब यह हुआ कि आज के बाद कोई भी खिलाड़ी अपने मेरा रुख साथ नहीं सुतेगा। हम तो चनेसर भाई के सोच के बड़ी परेशान हैं, परसों दिन गौना हुआ है और राजे बन आग लगे फुटबॉल में, अब बच्चर खसी मैच को। अरे ए झुल्ली, तुम बुरबके हो क्या?
तुम फुटबॉल को क्या करिया रही? देख लीजिए, हम कह देते हमारा मर्दाना मैच उच नहीं खेलेगा। झुल्ली ए झुल्ली कहो मुगे सर, पुतहु पढ़ा लिखा लाए हो कि अंगूठा छाप? हमनी के भाग में पढ़ाई लिखाई कहाँ है मालिक? अरे तुम लोग अपने लैकन को पढ़ाने कहाँ देते हो? पढ़ाई छोड़वा के भैंस चरवाओगे, बकरी चरवाओगे, मजूरी करवाओगे, तो खानदान दर खानदान ऐसे ही बड़कन के घूस आप करना पड़ेगा ना। याद रखो, अगर जुल्म से मुक्ति पाना है तो तुम्हें शिक्षित होना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब कल 5 बजे सवेरे से अभ्यास शुरू किया जाएगा। लेकिन अभ्यास शुरू करने से पहले तुम लोग मेरे घर आओ, तुम लोगों को मेरी तरफ से चाह का पार्टी। कविता लिख देना, ब्याह करके लाए हम कोई घर में। अरे काहे इतना कोहरा मचा के रखी है, काहे लाके तवा फाड़ दी? अरे मैं चाह दे, 2 दिन घर में अहिला नहीं हुआ कि इतनी अकफर हो गई है? का जरूरी था उतना आदमी के बीच आज भतर भतर बोलने का? है ना तका, ऊ लोग को का जरूरत था इन्हें उन्हें का बात करने का? तो हम छोड़ देंगे कि बोलबे करेंगे, फुटबॉल मैच खेलो, ये खेलो, खेलो, पता ना कागा खेलो। ए, ए जुल, जो सुते इतना बोलती है रे, फुटबॉल मुझे होता हमारा प्राण लेके छोड़ ना माई, ये तो पागल है, इतना बोलेगी तो पागल ना हो जाएगी। अरे काहे इतना भचर भचर करती रहती हो? अरे कविता गाना तो हम बचपन से ही लिखते हैं ना, और तुम्हें पता है ये कविता तो हम तुम्हारे ऊपर लिखे थे ना, सुनाऊं? हमको नहीं कुछ सुनना चाहिए। अरे कैसे नहीं सुनोगे? सुनो मुझो सा फुटबॉल रे, केने से 100 दिन बन के आए सिरे, जवानी के दिनवा का है, अरे सुखले बनाए सिरे। छुए के छूट दे दीजिए, तने वादा खिलाफी कर लीजिए, तने कुर्ती का हुक खोल लीजिए। ए इधर आना, तने चुम्मा हमको। अरे चुन चुन इधर आ, हमको शर्म आता है जी। अच्छा अब तो मैं किसी आओगे ना? एगो बात कहे, गौना के पहला रतिया तो बतिया बतिया की जियान कर दिए, और ऊपर से मुझो सा फुटबॉल बा तो का जाने करने से आ गया। एक बात कह देते, हमरा से बर्दाश्त नहीं होगा एक महीना, जाके सुन जाएंगे कोनो के सते हो। अरे अरे एक महीना बर्दाश्त नहीं होगा, एक महीना बर्दाश्त नहीं होगा ना। अच्छा बताओ गुरु जी की बेटी आरती अकेले कैसी रहती है? उसका तो शादी होने के बाद 3 साल तक तो गौना भी नहीं हुआ, बताओ उसके जैसा तो पूरे जवार में कोई सुंदर नहीं है। अरे क्या हुआ? अपना मलकिनी के पास बड़ा फिक्र है लोग रहे हैं। अरे ये का रे, ये दोनों इतना रतिया में बाहर कहाँ जा रहे हैं? अरे गुरुजी कल से न मना किए हैं, आज काहे जियान कर रही हो? छोड़िए छोड़िए हमको, हमको नहीं बतियाना, वो हमरे से ज्यादा सुघर है का? अरे कौन कह दिया कि तुमसे ज्यादा सुघर है? अरे तो गोरो को धो बनना है। लेकिन एगो फर्क है, तुम थोड़ा सावर हो आ वो दूध धनिया गोल। छोड़िए हमको, छोड़िए 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 हमको, हमको नहीं बतिया ना। छोड़िए ना सर, मार लेगा कारे। ए चने सर के बाबू जल्दी आवा, ए चने सर के देखा था नहीं का हुआ? ए चने सर चल खड़ा नहीं सोने, चल मारपीट। कंगाल साहब जी, ये कहाँ जा रहा है सवेरे सवेरे? आई गमछे में तो लोग का बने हुए है? कटोरी है मालिक। कटोरी का रे, ककरो ही भोज ओज है का? आज से गुरुजी फुटबॉल में सिखाएंगे ना। अच्छा, तो कहे थे कि सब लोग मेरे यहाँ सवेरे सवेरे आ जाना, सबको हम चाय पिलवाएंगे, इसीलिए सब अपना कटोरी ले लिए है मालिक।
जा। आ रहे हैं पापा, रेडियो तो बंद करिए ना। अच्छा अच्छा। अरे पापा, आपके खिलाड़ी भी आ गए हैं। प्रणाम जी, खूब खुश रहिए। तो तुम लोग तैयार हो? जी जी। आरती बेटी, भगवान का विजय तिलक यानी हमारे खिलाड़ियों को भी लगा दो। आ रही हूँ पापा। जीती रहो, खूब प्रसन्न रहो, हम अभी तैयार होके आते हैं। जी। आओ चनेसरा। अरे आओ ना। अरे ना ना मलकिनी, अगर आप छुआ जाएगा तो फिर से नहाना पड़ेगा ना। काहे, देह में महिला लपेट के आए हो का? नहीं, अभी तो हम लोग नहर से नहाए के आए हैं। तो खड़े हो चुपचाप और माथा इधर दो। चलो दो। अरे आबा हो, तू लोग भी आबा, भगवान के सब टीका ले ला। आबा आ भर जो ना जो भर जा, 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 जा। दो दिन पहले गौना कर लिए और हमको बताया भी नहीं। और वो जो उन गौना में खाजा बतासा मिला था, अकेले के लिए ही खा गए बेटू कहीं के। अरे मलकिनी, नहीं नहीं, ऐसा कोनो बात नहीं की। चुप रहो, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। मलकिनी, ए मलकिनी, मलकिनी, मलकि अरे तुम लोग नीचे काहे बैठे हो? ऊपर आओ, ऊपर बैठो। आओ आओ, चौकी पर बैठो। अरे घबराओ मत, आओ उठो। आओ। पंचायत का सारा टीम बाबुए लोगों का है और हर मैच में तुम लोगों का भिड़न बड़कन के टीम से ही होगा। और ऐसे डरे डरे रहोगे तब तो हो गया ना मैच। आओ चलो बैठो। अरे बैठो चनेसरा, तू इधर आ जा। जी गुरुजी। अरे ऐसे काहे बैठे हो, एकदम सीना तान के बैठो। ये हुई ना बात। आओ बेटा आओ जी। जरा इन लोगों को चाय पिलाओ। जी पापा। अरे ये क्या कर रहे हो? ये सब कटोरी रखो अपने पास, आज तुम लोगों को मेरे कप में चाय पीना है, समझे? ये चने सर, सबके चाय बांटो। देखो हम सब एक हैं, हम लोगों के अंदर का खून भी एक ही रंग का है। मलकिनी, लाल। हमको भी दुगो हाथ है, दुगो आंख है, दुगो पैर है, वही सब तो तुमको भी है ना, कोई फर्क नहीं है, समझ गए ना? हाँ, एक फर्क जरूर है, ये दतुला का दांत ज्यादा निकला हुआ है। वो गौना वाला बतासा खाजा नहीं लाए ना, उसके लिए सॉरी मलकिनी। ये इंग्लिश कब से बोलने लगे? इंग्लिश? हाँ? अरे हमर मेहरारू अपने नेहर में जौन हवेली में काम करती थी ना, वहाँ सब बड़का साहब ना गलती होने पे ऐसे ही बोलते थे, उन्हें हमको बताई है। बाप रे, तुमरे मेहरारू तो बहुत तेज है, बड़ा आदर सम्मान हो रहा है आजकल। राते से मुंह फुलाई है, दिन भर फुटबॉल मैच को गरियाते रहती है मलकिनी। ये फुटबॉल मैच से का दुश्मनी हो गया है उसको? जाने दीजिए, हम नहीं बताएंगे। ए सुनो ना, यहाँ आओ हमारे पास। जी मलकिनी। अच्छा, हम केकरो नहीं कहेंगे, हमको तो बता दो। वो गुरु जी कहे हैं ना कि जब तक फुटबॉल में चलेगा ना, तब तक कोई भी खिलाड़ी अपने मेहरारू के साथ नहीं रहेगा। तो कहाँ जाएगा? थोड़े के आप तो समझ ही नहीं रहे। अरे कहीं नहीं जाएगा। तो आप एकदम बुरबके हैं क्या? मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक फुटबॉल में चलेगा ना, तब तक कोई भी खिलाड़ी अपने मेहरारू को कुछ भी नहीं करेगा। हम अपने मेहरारू को कितना समझाएं कि हमारी मलकिनी तुमसे ज्यादा गोर है और उनका ब्याह होने के बाद तो गौना भी नहीं हुआ। बताओ बिना मर्दन आके कैसे रहती है?
आपके लिए कविता लिखे, सुनाते हैं। मन महसूस के रहे पिया जी, कौनो ना पुछवैया जी, तकिया चापी चापी रात गुजारी, कौनो ना सुतवैया जी, मन महसूस के रहे पिया। मलकिनी, ए मलकिनी, हमारा कविता इतना खराब लगा कि आप उठ के चले गए। ठीक है, आज के बाद हम कोनो कविता उविता नहीं सुनाएंगे, जाते हैं। जो गुरुजी बोले ना कि जब तक फुटबॉल में चलेगा जब तक तुमको सपना नहीं है। वही लग रहा हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दिया। फुटबॉल मैच चल रहा है के लिए। अरे तू आ, अरे पकड़ पकड़ जा जा, पकड़ पकड़ छोड़ दे। बात करके रख दिया, सोती नहीं। फुटबॉल का छोड़ेंगे नहीं, काटेंगे। झुल्ली, ए झुल्ली, क्या कर रही है? इसको क्या हो गया? रामानंद बाबू, क्या आपने प्लेयर लोगों को ट्रेनिंग दिया? बहुत अच्छा परफेक्ट मर ले। अरे दत्तवा तो मार ही नहीं पाया, बहुत जोर मारा है। अरे इज्जत तो एकदम मोहन बगान का फेल किए हुए हैं। काफी मेहनती होते हैं ये लोग, और मैंने भी मेहनत करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एकदम ये सब देखने से ही पता चल रहा है। ए चले सर भाई, तनी उलावा कुछ अमनियो खिलावा हो। हां 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 हां, लाते हैं जल्दी लाओ। यार रामानंद बाबू क्या ट्रेनिंग दिए हैं, वाह आप एकदम छा गए। अरे इन लोगों में बंदर बना दिए, आप बुदक रहे हैं। तो बस ऐसे निकल प्रयास। ये देखो संतोष साहब, ये वाले अरे भाई कुत्ता कर 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 ले ले, ये हमने पता कर लिए। अरे हम तो साले को फील्ड में पटक के मार देते, लेकिन आपका मुंह देख के चुप हो गया। अरे आने दो ना साले, सब आज भरता नहीं बना दिए तो देखना। बहुत अच्छा खेले तुम लोग, और भी मेहनत करो, खूब मन लगा कर मेहनत करो। जी आए गुरु जी, बर्फी तरफा का कौन सा साइज का जूता है? सब चुप हो जाओ रे। नमस्कार मुखिया जी, आओ चने सर बैठ। देखो 11 खिलाड़ियों के लिए मैंने यहाँ जूता जर्सी से दिया है, मुझे लगता है कुछ और तो नहीं चाहिए। ठीक है गुरुजी, ये लीजिए मुखिया जी। क्या है ये? लिस्ट है मैच के लिए कुछ जरूरी सामान का, जैसे गांव के नाम से जर्सी सिलवाना पड़ेगा, इन लोगों के लिए गेंदा खेलने वाला बूट और मोजा खरीदना है, 15 जोड़ी जूता मोजा और 15 जोड़ी जर्सी, कुल मिलाकर 3,500-4,000 का खर्चा पड़ेगा।
लीजिए। फुटबॉल के साथे साथ क्या सिखाए हैं ये लोग? अरे इन्हीं के कहाँ उठना है और कहाँ बैठना है हमनी के सामने वो भुलवा दिया। मार जूता साले, इतना जुतियाएंगे ना कि शरीर का नक्शा चेंज हो जाएगा। चप्पन बाहर। अरे चने सर, ए चने सर, आप लोग खाली अपने राग लपते रहते हैं। अरे ये लोग अभी आपके खेत का धान काटने वाला बनिहार नहीं है, खिलाड़ी है। और जब तक खिलाड़ी का मनोबल मजबूत नहीं होगा तब तक खेलेगा कैसे? अरे इन्हीं के मनोबल के मायके नहीं मिलेगा कोई जूता जर्सी, बल्कि खिलाड़ी के बाहर बनल है। सुनिए, जूता और जर्सी खेलने के लिए मांग रहे हैं हमने सब, कोनो हितैषी में नहीं जाना है। और आप बिना मतलब का गालू ले मत दिया कीजिए। अगर तूने अपना गंदा जुबान बंद नहीं किया ना तो राख लगा के जीप तुम्हार लेंगे। सुनिए सुनिए, अरे इस सब राड चपंडुक के फेरी में हम लोग अपने में कहे लड़ाई लड़ रहे हैं? बात है साफ, हमनी के तरफ से न जूता मिलेगा और न जर्सी। आपको हम फुटबॉल सिखाने के लिए न भेजे थे, आप क्या सिखाए हैं इन लोगों को सब दिख रहा है हमको। आपसे तो हम बाद में फरियाद है। ए, चलो रे, चलो। कुछ मालूम नहीं यहाँ किसको उठाना है, यहाँ बैठाना है, सबको सर पर चढ़ा लिए। नहीं चाहिए हमने क्या जूता जर्सी सर, खाली घर सबके कबार के गर्दन से चुरा दिया तो हमारे नाम पे बक्का पलटेगा सब। ए चले सर भाई, बिना जूता और जर्सी के खेलेंगे और जीत के दिखाएंगे। झगड़ा कह रहे हैं महाराज, बताने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझते? पैसे का इंतजाम मैं कहीं ना कहीं से कर लूंगा ना, लेकिन बिना जूता और जर्सी के खेलना ठीक नहीं है। नहीं गुरु जी, आप बप्पर खिलाड़ी की कसम, अब हमने सब के औकात उन लोगों को दिखाना चाहिए। हाँ। और हम वादा करते हैं गुरुजी, आपका सर हम कभी छुपने नहीं देंगे। क्या हो तो ये लोग तैयार है ना? जो बस चलता ना तो मारी दिस लाठी या फूटी दिस कपार, अब भागीपन बिलार सबे ने उन्ने। सब रामानंद बाबू का खेल खेला हुआ है, हारने दीजिए ना। बीच फील्ड में लंगटिया के और नहीं थूक चटवाए ना तो हमारा नाम आप चेंज कर दीजिए। सुनो सुनो सुनो, तुम मैं जीत के जरूर आया। है ससुरी के बार बार हमरा पीछे ही पड़ा रहता है। हाँ। वादा करते हैं मलकिनी, जो भी मैं जीतेंगे ना उसका जीतल का कप आप ही के हाथ में देंगे। अब हम चलते हैं मलकिनी। जीत के आना। जी मलकिनी। जी
बघेल चक्का टीम आए और वीडियो साहब से आशीर्वाद ले। गोपाल चा, ये सब कौन है महाराज? ये बगल चक्का ठाकुर लोग मंगल ग्रह से आया है का? ये सब भूत बानर जैसे कहले हैं। अरे काहे का ठाकुर, सब बगल चक्के बनिहार लोग हैं। बनिहार? वहां के ठाकुर को हाथ पैर में दही जम गया है, अपने खेले में फांस गाल रहा है, तो चले हैं छुटकन के बालों से। ए महाराज, ये सब हमें सटेगा तो छुआ ना जाएंगे। देखिए कह देते हैं गोपाल चा, नहीं नहीं हम कह देते हैं, अगर इसमें से कोनो टच किया तो एकरा माई के वही मार के खरिहान कर देंगे। हम वीडियो साहब से आग्रह करेंगे कि वो माइक पर आए और अपने शब्दों से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाएं। आइए सर। जहां शहरों से फुटबॉल लगभग गायब होता जा रहा है, वहीं सुदूर देहात में आप लोगों ने इसे जिंदा रखा है, ये देखकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। आज इस अवसर पर मैं यहां के आयोजकों और खिलाड़ियों से ये कहना चाहूंगा कि फुटबॉल के अस्तित्व को बचा कर रखें, साथ ही साथ युवा पीढ़ी का ध्यान फुटबॉल खेल के तरफ आकर्षित करें। टीम टॉस जीत गई है, घंटा। अब दोनों कैप्टन हाथ मिलाइए और खेल शुरू कीजिए। डुआ का माथा खराब है का? इतने किए तो छुटकन से हाथ मिलवा रहा है। हाथ मिलाइए। सत्यानाश, गंगा जल लो बच्चा, जल्दी पवित्र करके रख दिया। अरे जल्दी निकालिए महाराज। जय गंगा भैया। हाथ धो, हाथ धो। आज मौका है, दिखा दो कि तुम लोगों में सिर्फ जुल्म सहने की ताकत ही नहीं बल्कि उसका मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत भी है ना? शांति बना के रखिए, शुरू हो गया है। देखिए गेंद मारा गया है, मदन मोहन के पास गेंदा जा रहा है, मदन मोहन गेंदा लेके दौड़ रहे हैं, गेंदा बढ़ाए और एक चनेत्र मारा, और देखिए भगवान दास भी गेंदा आगे बढ़ाए हैं, और ये लिटी राम मारा गेंदा आगे, बहुत अच्छा। अरे देखिए कितना गेंदा में जाके मारा, गोल मारा, मारो लगते देना छुएगा, लगता है कि कोई गलती किया है भरवीत ना, वहाँ के कैप्टन उसको समझा रहे हैं। और देखिए तुम अकेले कर लोगे, जब मैं बोलूंगे बराबर आगे करो, कैप्टन के द्वारा समझाया जा रहा है भरवीत ना को। अब ये देखिए गेंदा फिर आगे बढ़ गया है, अभी चंडीगढ़ का टीम गेंदा पास कर रहा है। तो माइक है, अगर तेरे में सट गया ना तो बहुत मार मारेंगे साले। ये ले रे, बातचीत हो रहा है कि फिर गेंदा पड़ा, चंडीगढ़ का टीम गेंदा लेके आगे जा रहा है। चल चल चलता ही नहीं, चल नर्वस दिखाई दे रहा है, और ये चनरगढ़ की टीम गोल मार रही है देखिए, लेकिन बघेल चक्का गोलकीपर रोक लिया है गेंदा, बघेल चक्का गोलकीपर गेंदा रोक लिया, फिर से एक बार गेंदा बढ़ गया है, बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन हो रहा है। अरे देखिए फिर से हर पिछले गेंदा लेके आगे बढ़ रहा है, और देखिए आगे एकदम गोल के पास चला जा रहा है, सब बच गया, फिर से एक बार जो है। सुनो, वो जो भर बीतना है ना, उस साला बहुत ही होशियार बन रहा है, ठीक है? उस साले को अब की बार पीछे से कॉलर पकड़ना है, ठीक है? उसको टारगेट पे लेना है। और ये देखिए गेंदा फिर से शुरू है, और इस समय जो है कि टीम जो है कहीं ना कहीं से मजबूत है, ये देखिए इस बार देखिए, ध्यान दे रखिए इस बार क्या होता है, भरवीत ने
नहीं मेरे बच्चे, अरे खेल में ये सब चलता है, लेकिन जो मैं कहता हूं उसे ध्यान से सुनो, जैसे को तैसा। अगर ये लोग गेंदा को तुम पर निशाना बना के मारता है, तुम लोगों के पैरों में भी दही नहीं जमा हुआ है। इस बार तुम लोग अपने जूते से उसके पैर पे मारना और तुम सबका पैर कुचल के रख देना। तुम लोगों में से कोई भी अकेले गोल मारने के फेरे में मत रहना, बढ़ा बढ़ा के खेलना, समझे? जरूरी था ही जबरदस्ती का मैच खेलने। अरे हारने से अच्छा था कि खेलते ही नहीं। और जीतेंगे तो जलेबी बांटेंगे ना। अगर हार गए ना तो सब चप्पन डकवन के साथ है आपका भी दाढ़ी मोछ छिलवा देंगे, समझ गए ना? बड़ी खरखाही लो। कहीं से परेशान करे, ये तभी होगा जब जीत गए।
उठाया और बघेल चक की टीम एक गोल से विजयी हुई। भाई वाह, इसे कहते हैं हिम्मत। आज आपका लुंगी लंगोट और आपका खाली पांव सब पे भारी पड़ा। शांति रखिए, शांति रखिए। और हाँ, आज से मैं भी आप लोगों की इस टीम का नाम लुंगी लंगोट टीम ही रखता हूँ। मलकिनी, ए मलकिनी, चनेसरा तुम जाओ यहाँ से। अरे हमने सब मैच जीत गया है ना मलकिनी, और हम आपसे वादा किए थे ना कि जीतल का कप हम आप ही के हाथ में देंगे। कम से कम मलकिनी कप्पा ले लीजिए ना। वो क्या हुआ ना, जब हम आए तो आपका घर का दरवाजा बंद था, तो हम सोचे कि चुपके से छतवा पे चढ़ के अचानक आपको हम कप दे देंगे। क्या पता हम छत से आ रहे थे, आपको नहाते देख के आपके ऊपर गिर गए। ऐसा नहीं करेंगे मलकिनी, जा रहे हैं। मुखिया जी, आज रात में चुंबक देवी का प्रोग्राम रखे हैं मलकिनी, हम लोगों को देखने के लिए बुलाए हैं। आज तो करता करता हुई मलकिनी। Yeah.
पीला दूध देसी हाफ कर देगी सब गासा। सीन है तेरा देंगे तुमको धंधा पड़ जाने दो फांसी का फंदा काम करेंगे गंदा पावरफुल मशीन है तेरा देंगे तुमको धंधा अरे सुखले मुंह में पागुर मारे गिरे टपु टपु टपुला बेटी दरवाजा खोलना मालकिनी दरवाजा खो आइए गुरुजी बेटी बेटी तुम जाके खाना लगाओ हाँ लगाइए खाना गुरुजी का खाना लगाइए गुरुजी अगर हम लोग फाइनल में जीत गए तो आप हमको क्या दीजिएगा लगाइए ना अरे हम तो तुमको अपना प्राण दे ही दिए सब कुछ तुम्हारा हम जो मांगेंगे ना वो आपको देना पड़ेगा अरे तुम कह के तो देखो ये घर द्वार सब कुछ लिख देंगे मलगिनी गुरुजी हमने सब फाइनल मैच जीत गया ना तो आप मलकिनी के तो मलकिनी के दूसर ब्याह करवा दीजिए ये सब हमने भाव साहब में नहीं चलता है एक बार बेटी विधवा हो गई तो फिर उसकी दूसरी शादी नहीं होती है अब एक बार वादा तो कीजिए ना मैं सबका कर्जा उड़ा दिया तो मैं कुत्ता का जाना लेकिन गुरुजी मलकनी का दूसर भी आ करवा दीजिएगा गुरुजी गुरुजी बात सुनिए गुरुजी आ, 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 आ,
अब हम इस फाइनल में जीतेंगे और मलगने का हम ब्याह करेंगे। चने सर, चने सर। बोलिए। अरे जाओगे कि ये पसरल रहोगे? सॉरी। चलो जाओ। चप्पल कहाँ गया मेरा? गुरुजी का करा लगा दीजिए। चलते हैं। आराम से। सॉरी, एक और मिनट ना सुनेंगे। नहीं चलो। चने सर, घर जाओ। सुनिए ना। हाँ सुनिए, अब तकिया चापी चापी काहे रात गुजारी? काहे रात गुजारी तकिया चापी चापी? हैं चलो। कौनो रे कौनो तो मिले हैं पिया भैया जी। चने सर घर जाओ और एकदम चुप, कुछ मत बोलना। चलो घर जाओ आराम से। अरे कौन है रे? चला एक एक को हम हराएंगे और खाली पर हम कर दौड़ा देंगे रे। सूर्य के दाला रे, हमरी सब फाइनल में जीतेगा। अरे हमरी सब फाइनल में जीतेगा रे। अरे फाइनल में तो हम जीतेंगे और मलकनी का ब्याह भी करवाएंगे। हकड़ी झड़ ले लाओ तो हमर वाला घिवा रे। बड़ा मन इस सब के बढ़ गया है। अजी अभी का देखें, इस सब के कितना लोगन के मुंह थूरना है हमको। बड़ा हकड़ी झड़ ले है सब। आ कल के सेमीफाइनल में बाबूपुर वाला के एक दर्जन नहीं घुसाए तो हमरा नाम पर बोका छोड़ देना। ठीक ठाक है ना बाबू साहब? के नाम पे हमर घंटा है। आप टीम में साला गलतियों से एक भी ठाकुर नहीं है। महाराज नाम हंसवा दिया आप तो। अपन पथरी में दम नहीं है तो चले हैं छोटकन के भरोसे। साला हमारा खड़ा मुंह तू नीचे किया रे साला। अब फैली धा के नोच लेंगे रे। क्या अपने आप को समझता है रे? अरे इस समय झगड़ा कीजिएगा, ठीक बात है। अरे हाँ, चलिए। अरे रुक जा, तनी देखने दो। ये बगैर चक्कर ठाकुर में कितना दो। अरे अरे क्या घंटा देखे? अरे शांत रहिए। हम सरोज बाबू के बात का समर्थन करते हैं। ठीक है, यह मोड़ पर थू गिरा के नहीं चटवाए तो साला हमारा तू नाम चेंज कर दे। हत्या की नहीं, साला बड़का मूछ वाला बनता है तो रमाई के। अरे क्या बोला रे? क्या बोला रे? साला किया के बाद चला रे। इसको काल बताते हैं बेटा। काल साले को यही पर थूक नहीं चटवाए ना तो बोलना। ए मुखिया जी, आप तो बात बात पर सबको थूके चटवाते रहते हैं। अरे क्या गलत बात बोला है? वो थूक तो हम लोग को चटना चाहिए। 3×7 हो गया 21। 7 मैच के हिसाब से हो गया 21 किलो। बराबर में बांट दो, एक भी छटाक बचना नहीं चाहिए। चले सुना, अपन सब आदमी का हिसाब किताब जल्दी से रफा दफा करो। दतुला जाके तलवा ले। ये कोनो लिखे पढ़े के जगह है? कहा जाने का लिखते रहते हैं दिन भर। अरे कप्तान है, अपना कुछ हिसाब किताब कर रहा होगा। आलू बैगन दाल चावल एक ना हिसाब होता है काफी किताब पर, कि फुटबॉल मैचों का काफी किताब पर हिसाब होगा। सेमीफाइनल मैच है ना, टेंशन तो रहबे करेगा। अरे वो अगला मैच का हिसाब किताब कर रहा होगा। एक ना बातों मैच होगा। अरे तो सेमीफाइनल है, एकरा बाद फाइनल होगा। अभी दो गो मैच है। खत्म होगा कि नहीं? अरे ऐसे नहीं खत्म होगा। तुम एक काम करो, ससुरी के दवा पंचर कर दो। काजानी के लिए नुका के रखते हैं गेंदवा को। जे दिन हमको मिल गया ना, पूछे में ठूस के लहरा देंगे, किसको पता नहीं चलेगा। कितना दिन नुका के रखते हैं गेंदवा को। आवा चने सर, अपन चावल तो लावा। हाँ।
जल्दी जल्दी उस दिन इन्हें काका लिखा है, बताना हमको पटके। हम नहीं पढ़ेंगे भैया, बहुत गुंडा गुंडा बात लिखे हैं। गुंडा गुंडा बात तो मलकिनिया खातिर लिखे होंगे। मलकिनिया को अपन गाना और कविता सुनाते रहते हैं। तो हमने मरद को फंसा ली है, देख रहे हैं लक्षण। मलकिनी है तो का हुआ, ओकर मुंह नहीं नोच लिए ना तो हमरो नाम कुत्ती नहीं। तुम चनेसरा की मेहरारू हो ना? हाँ, हम ही तो हैं एगो। आओ अंदर आओ। गोड़ दीजिए मलकिनी। कहाँ हुआ, काहे कैसे आई हो, कौनो बात है का? गांव में सब कोई कहता है कि हमरा मरद को आप फंसा लिए हैं, और हमरा मरद आपका गुंडा गुंडा बात लिखता है, और ये वही है ना जे में हमर मरद आपके बारे में लिखे हैं। सुनाए का लिखा है इसमें? गौना के पहला रतिया जियान कर देलस हम पूछत पूछत नैहर के बतिया। जल्दी जल्दी उ ढिबरी बुझा के हमर पोरा में समाई, और कुछ होवे से पहले बम जैसन खांस दी माई। और सुनाए गौना के तीसर रतिया मुझौसा फुटबॉल आके बंद कर देलस आगे के बतिया। सपना में रोज जगा के कहती है तहिया पे रख दीजिए ना खाली हाथ, और इहो बतिया ना मानिएगा तो कह देते हैं सुत जाएंगे कौनों के साथ। ये तो हमरे बारे में लिखे हैं। काका समझ ली। ओ मोजी, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? का हुआ रे, लड़का सड़िया दोहरा दिया का, जो इतना जोर से भागी? भाग माई। ले तो रामानंद बबुआ के मुंह को कुछ देना। सब तैयारी है ना? एक जयकारी मारेंगे ना सब जुटान हो जाएगा। ये सब का कर रहे हैं आप लोग, भांग वांग खा लिए हैं का? अरे एड़ी चोटी एक करके बेचारा ये लोग मैच को सेमीफाइनल तक पहुंचाया है, और अब कहते हैं कि लोग नहीं खेलेगा। फिर खेलेगा कौन? हमने के जात वाला खेलेगा, और कौन खेलेगा? अरे हमनी के गांव के खिलाड़ी कोनो भूखा नंगा नहीं है। अब तक खाली खेल और खिलाड़िया में भीरल रहते हैं, बाहर कैसन कैसन बात हो रहा है या तो बुझल है? अरे हम लोग हैं ना हरियाल में। अरे भज्जोनर, अरे खड़ा होकर देखता रहा है रे। अरे 3-3 किलो चावल मिला है ना मैच खेलने का, आ जाना कल बनिहारी करने। जाइए
ए मुखिया जी, बात बात पर इनकी बेइज्जती करना बंद कीजिए। एक बात जान लीजिए, सेमीफाइनल मैच यही लोग खेलेगा, समझे? ये कह रहे हैं ये लोग जो भी टीम का सिलेक्शन किए हैं पहले बोलिया हम सब करिए, बाकी जो जीतेगा वही सेमीफाइनल मैच खेलेगा। तू फिट बोला रे साला। भाइयों एवं बहनों, एकदम शांति बना के रखिए। आज मैच में परिवर्तन हुआ है। बघेल चक की टीम आज एकदम जूता बूट जर्सी से एकदम लैस है, लेकिन पुरानी टीम नहीं है। टीम को मुखिया के इतना नपास कर दिए कि ठाकुर दिखाने के चक्कर में पूरा टीमें बदल दिया। आज देखना ये लोग एक दर्जन गोल से हारे। देखिए हमको गंदा उंदा खेलना नहीं आता है, जबरदस्ती खिला रहा है ना, आप समझिएगा। मुखिया के यही फील्ड में बैठा के दाढ़ी या मूंछ न छील दिए तो हमारा नाम सरोज सिंह। याद रखो हम लोग में महाराणा प्रताप का खून दौड़ता है। जाओ खेलो विजयी भव। खेल शुरू हो गया है। देखिए खेल शुरू हो गया है, लेकिन खेल में जो है बाबूपुर का टीम जो है मैच नहीं खेलेंगे। कितना खून बह रहा है। अरे साला, तो कोहबर में जाके बैठेगा, कहे नहीं खेलेगा। हम तो पहले ही कह दिए। अच्छा अच्छा ए सुनो सुनो सुनो, आप टाइम के बाद हमको इंतजाम करते हैं। चलो चलो खेलो 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 खेलो। अरे थुथुर साफ लेखा, तू लोग पटका कर रहा है ने तो मेरे। रे मुखिया जी, ये को बात मालूम पड़ी है का? ये जो बाबूपुर का हितवा है ना सरोज बाबू, ये बहुत बड़का ड्रामा रचिस। क्या बात करते हैं? पूरा टीम बदल हारने के बाद मुखिया जी के दाढ़ी तोड़वा के खा खेलना है मैच। कहाँ जा रहा है? ना खेलेंगे, नहीं खेलेंगे ना। बाबूपुर की टीम अच्छा प्रदर्शन करते हुए 4 गोल से आगे है। अब मैच 15 मिनट बाद शुरू होगी। क्या बात है मुखिया जी? आइए ना, 2 मिनट बात करना है भाई। बताइएगा तब ना, देख नहीं रहे गेंदा खिलवा रहे हैं। ए महाराज तने आइए ना। ए तो कब चला चनेसरा? चनेसरा मर गया साला। बड़ा बढ़िया गेंदा खिलवाते हैं आप। धन्यवाद। वो बहा देने वाला खेतवा में गेहूं नहीं रोपे आप? अब हमारा गांव
आप लोग के गांव जैसा थोड़ा ही सोने का कटोरा है। जे दिन हमनी के गांव में भी नहर आ जाएगा ना, बस हमनी के खेत भी स्वर्ग हो जाएगा। दो महाराष्ट्र, चिंता मत कीजिए, 3-4 मन गेहूं भेजवा देंगे हम। गेहूं? मैंने सुना रमटका, रमटका, रमटका रे चनेसरा कहाँ है? मैं बोलता कहाँ है रे साला? मैं तुमको सुनाने दे रहा है, रमटका, साला हम कुछ कर रहे तुमको रे, रमटका। बिलार के तरह कहे छुप के बैठा है। चल मुखिया जी बुलाए से मैदान में, आओ साला सब 4-5 गोल कर दी से। हाफ के बाद में तो हनी लोग मैच खेलना है। महाराज मजाक कर रहे हैं क्या? गेहूं आटा हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाराज तने मजाक कर, आई 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 आई, आई इधर आई। बोलिए जेने माहे आए है ना, वह माहे वापस हो जाइए, कोई फुटबॉल मैच नहीं खेलेगा। क्या बोला रे, क्या बोला तू? साला थूक गिर बाकी चटवावेंगे तभी तू लोग मानेगा रे। क्या बोले? चलता है कि नहीं साला, थूक चटवाइएगा, थूक चटवाइएगा, लला ताज मारे। असली टीम लुंगी लंगोट खेलेगा। मैं जल्दी
भी शुरू करवाई है। इसका निर्णय रेफरी साहब और वीडियो साहब इस टीम के। अरे ये का सुधाकर बाबू, ये कोनो बात होता है कि हाफ टाइम के पहले वो लोग खेलेगा, हाफ टाइम के बाद ये लोग खेलेगा। अरे रेफरी साहब, आप कुछ कीजिए ना, ये कोनो नियम हुआ। जी प्रणाम, हाफ टाइम के बाद यही सब मैच खेलेगा। उनका ठाकरे का हम भी रेफरी को परमिशन दे दिए कि बुलवा लो जिसको बुलवाना है, देख लेते हैं किसमें कितना भास। देख रहे हो ना मैदान पे सब नंगे पैर और तुम लोग के पैर में बूट। एक एक करके सबके पैर को लहूलुहान कर दे। अभी दो चार गो को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो कहा बाबू साहब के टीम। साले सब का नाटकबाजी हैं, इस साला सब जानबूझ के नाटक कच दी से हमने के हराने के लिए। इस साला तीन गोल तक तो सधा दिया है और उसके बाद देखिए चौथा गोल करने में उसका माय मर रहा है का हैं। इस साला सब लगता है कि मैच ड्रॉ करना चाह रहा है, समझ रहे हैं ना आप। देखिए या देखिए ना समय हैं ई का, अब तक घास जीतेंगे हम लोग। ये लोग का हमने सब सबक सिखा दिए हैं, समझे ना? अब ये लोग सारा सब करेगा। देखो अब टाइम बहुत ही कम है, ये लोग खाली सारा सब टाइम पास करवा रहा है। ए भरता भाई, एलिटिया, सुन, तुम आगे बढ़ना, छुप जाओ। जो है, जिनकी चीजें हैं, अपने दोस्तों से कर सकते हैं।
जानबूझ के मैच हराई है, कूद कूद के हिल कर दो सबको। मलकिनी, ए मलकिनी, अभी गुरु जी का तबियत कैसा है? सुबह से 104 डिग्री बुखार है। सुना है तुम लोग मैच जीता दिए, काहे गए थे खेलने? हार रहे थे तो हारने देते। सब गांव छोड़ के जा रहे हैं गुरुजी। वो लोग हमारे पर बहुत जुल्म किया है।
बहुत जुलम किया मेरे पर। अब लोग अमर बहनानों की सब लोग बेइज्जत करके मार दिया। अरे जल्दी चलिए, खबर मिला है आधा घंटा में औरंगाबाद से फोर्स पहुंच जाएगा, आज जल्दी चलिए। है चले सर, निकला यहाँ से वो दरोगा औरंगाबाद से पुलिस फोर्स लेके आ गए। चला भोर होने से पहले हमरा सबके इलाका खाली कर देना है। चला 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 चला, हम जा रहे हैं नेक्स्ट लाइट बने गुरु जी। सब जा रहे हैं बल्कि नहीं, अभी तो हम समय पर जीते हैं ना। लेकिन फाइनल मैच खेलना भी बाकी है, वो भी हमने ये सब जीतेंगे, हमने ये सब जीतेंगे बल्कि नहीं। और उसके बाद हम आपका ब्याह भी करवाएंगे बल्कि नहीं, ब्याह भी करवाएंगे। चलिए सर जल्दी चला, जल्दी चला, पुलिस आ जाए। जा रहे बल्कि नहीं, चलो। दुश्मनी तो सिर्फ उन ठाकुरों से है जो हमने के बर्बाद किया है, बाकी का ठाकुर हमने के कुछ नहीं बिगाड़ा। और हाँ, उनको कुछ होना भी नहीं चाहिए दादा, लेकिन जो हमने के बर्बाद किया है ना, उन सब को मारने के लिए हमें जा रहे काफी। ज्वाला आंखों में प्रतिशोधक ज्वाला, तुम केलो चिंता कर कहा आया, ये सब हमारा बंधु लोग तुम्हारा साथ प्रोटेक्शन के वास्ते जाएगा। जाना, हमारा बंधु लोग पूरा बोघेर चाक बोघेरा को घेरेगा, और तुम अपना दुश्मन का मुंडी शेष करना। भालो खूब भालो, जाओ मुंडी शेष करो अपना दुश्मन का, जाओ। लड़का सलामा तो साला फिर से सासुरी के साला लड़का सड़वे रही ना तो हम ही रह। हम लोग
आपको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपका घर हमारे कब्जे में है। जाइए अंदर। अरे अरे अरे, ये तो सब देने से के चाटिए। अरे हमको माफ कर दो भाई। अरे कि थूक गिरा के चाटिए। अरे साला सुनाई नहीं देता है, पौधे के थूक गिरा के चाट। इस साला मुखिया थूक के चाटेगा। सबको गोली मार। सुना नहीं तुमने? जाके कहीं छुप जाओ।
ठाकुर लोग पहले भी छोट जात को अत्याचार करता था और आज भी अत्याचार करता है, समझा? ये सब तो घर में घुस गया। उसका साथ दिया है ना, तुम लोगों ने मेरी शिक्षा, मेरा भरोसा, मेरे यकीन को ठेस पहुंचाया है। ऐसी कोई बात नहीं है गुरुजी। मत छुओ मुझे, हट के रहो। हम मजबूर थे गुरुजी, हम मजबूर थे। हम लोग तो वही लोग को मार रहे थे जो हमने पे जुलम किया था, और हम लोग वही लोग को मार दिए गुरुजी। लेकिन हमारा धर्म युद्ध को हमारा साथ देने वाला आज जाति पाति का लड़ाई बना दिया है, और वो लोग पूरा गांव को जला देगा गुरुजी, पूरा गांव को जला देगा। और उस सब के कारण हमने सब है गुरुजी, हमने सब है। और हमने सब बदले की आग में अंधा रास्ता अपना लिए थे गुरुजी, हमको माफ कर दीजिए गुरुजी। ना जाने शोषण करने का ये सिलसिला कब खत्म हो, ना जाने ये लड़ाई कब बंद होगी। चंद गुनहगारों के चलते पीढ़ी दर पीढ़ी सजा भुगतती है, किसी एक पीढ़ी को तो कुर्बानी देनी होगी। चलिए ना गुरुजी, सेमीफाइनल मैच जीतने के बाद हम लोग फाइनल मैच नहीं खेले थे ना, नहीं खेले थे ना गुरुजी। आज चलिए ना, आज आज फाइनल मैच खेले जाए। ये हुआ उत्तर, ये हुआ दक्षिण, ये हुआ पूरब और ये हुआ पश्चिम। गली की बाईं ओर भोरिक और दतुला मोर्चा संभालेगा। दाईं तरफ सुखाड़ी और चबुआ दशरथ के छत पर चढ़कर उनका ध्यान बटाएंगे। भरभितना और लिट्टी राम सबको चकमा दे देकर उत्तर के खेत की तरफ ले जाएंगे। तुम गांव के लोगों को बचाना, एकदम खोल के। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। और साथ ही भगवान दास
मदन मोहन और लोरी को भी बचाना। हाँ गुरुजी, एकदम चिंता मत कीजिए गुरुजी। अच्छा, ये सब कितना लोग होगा? ज्यादा नहीं गुरुजी, 700-800 तो लोग हैं। 700-800? बस तो चलो, अब करदा करदा कर देंगे इन लोगों का। गोली लगा था तो पता ही वो नहीं किया। ऐसे तो नहीं चलने होगा तुमको। ना बोले बचा निकल। अरे रुक कहीं गई, चलिए ना। चने सर, आज का फाइनल मैच तुमको जरूर जीतना पड़ेगा हमारे लिए। वादा किए थे ना, जीतने के बाद हमारा ब्याह कराएंगे। तो इसे रही है मुल्क जैसे जीतने के बाद। चलो
मार दिया गुरुजी, कुछ तो बोलिए गुरुजी। इतना आरती की आवाज है ना, बेटी चले सर, उन लोग की संख्या बहुत अधिक है, तुम लोग निकल जाओ यहाँ से और मेरी बेटी को भी साथ ले जाओ, और वैसे भी फाइनल मैच जीत चुके हैं चले सर, इतिहास में कम से कम लोग ये तो कहेंगे कि लड़ाई बढ़कर और छोटकर दोनों मिलकर लड़े थे। वैसे भी बघेल चेक की नरसंहार की सच बताने के लिए तुम्हें चिंता रहना पड़ेगा, जाओ जाओ इसका भी हो जाओ चलो सर, जाओ जाओ चलो। शॉर्ट्स मिल गए विभा,